नारायण नारायण, मतलब यही बोलना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की बैटिंग सुनील नारायण की हो रही है, ये देखने के बाद तो बस यही आ रहा है मन में, क्योंकि वो जिस तरह की बैटिंग है, स्पेशलिस्ट बॉलर होके इस वक्त ओपन बैटिंग कर रहा है अपने टीम के लिए, और उसके बाद हर गेंदबाज को, हर वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को, कोई भी गेंदबाज उसके सामने हो, इस तरह से उसकी पिटाई हो रही है मानो उसके सामने कोई इंटरनेशनल बॉलर नहीं बल्कि क्लब लेवल का कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। आधा टेढ़ा बैट चला रहा है, मतलब लग रहा है तो आगे छक्का, नहीं लग रहा है तो पीछे छक्का, बट जा रहा बाउंड्री से बाहर। और उसकी टाइमिंग इतनी शानदार अभी हो रही है, मतलब दो खिलाड़ियों के बीच से भी गेंद उड़ती हुई निकल रही है, और एक बार दो बार नहीं, दस दस बार हो रही है, और एक बार भी जो गेंद फील्डर के पास चले जाए हो ही नहीं सकता है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो कैप्टन है उसको मतलब कैप्टेंसी करने आती ही नहीं है। मतलब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कोलकाता का जो है मैच लखनऊ के साथ हो रहा है, लखनऊ में ही। अच्छा, हालत यह है कि सुनील नारायण जिस तरह की पिटाई कर रहा है, वो पीट नहीं रहा है बल्कि वो सुझा रहा है। मतलब जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त का सुरते हाल अगर आप देखोगे तो सुरते हाल मतलब कोलकाता एक्चुअली सुनील नारायण ने जो ये है LSG के सुझा रखी है, खासकर इनके कैप्टन के जो KL राहुल है, बंदा क्लूलेस दिख रहा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। आधा टेरा कैसा ही बल्ला चला रहा है, गेंद एकदम दो चार फील्डर के बीच से दंदनाती 4 रन 6 रन, बंदे ने 7 छक्के लगा दिए हैं, 6 चौके लगाए हैं। उसके स्टैट्स अगर आप देखोगे तो कुछ 39 बॉल पे 81 रन मार के आउट हुआ बंदा, माने इस तरह की हालत है, खेल नहीं रहा है, सुझा रहा है। अच्छा, उससे ज्यादा ये लखनऊ की पिटाई नहीं कर रहा बल्कि ये IPL के जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, उनकी जो है ना, उनके फेस के ऊपर मैं तमाचा जड़ रहा है कि ये देख लो तुम्हारे IPL की ये स्टैंडर्ड है, तुम्हारे IPL में ये बॉलर है, तुम भले ही 24 करोड़ में 20 करोड़ में बॉलर लेके आ जाओ लेकिन स्टैंडर्ड कुछ नहीं है अगर उस तरह की पिचेस नहीं दोगे, उस तरह के कंडीशंस नहीं दोगे। तो यही हो रहा है, बंदा सुझा सुझा के मार रहा है, सामने वाले गेंदबाज की नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वो IPL का जो टीम मैनेजमेंट है उनको मार रहा है कि ये देखो क्या तुम लोगों ने स्टैंडर्ड बना रखा है, और उसके जो एक मिरर जो है आईना दिखा रहे हैं हम। इस बार IPL में कोलकाता तो ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन पे आया हुआ है, मतलब जब से बंदा ये अपना गौतम गंभीर इस टीम में आया हुआ, पता नहीं क्या हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स को, किसी मिशन में निकले हुए हैं लोग। सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बना दिया इस सीजन में, लगातार 200 रन यू ही बन रहे। मतलब पिछले मैच आप देख लो, वो मुंबई इंडियंस के साथ में कुछ 5 विकेट इनके 60-70 रन के आसपास में गिरे हुए थे, उसके बावजूद भी 200 रन ठोक दिए, मैच जीत भी गया। आज भी आप देख लो फाइनल स्कोर जो इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स का है वो 235 रन। मैच अभी चल रहा है, लखनऊ जो है बैटिंग कर रहा है, उनके फर्स्ट विकेट जो है कुलकर्णी आउट हो चुका है, KL राहुल भी आउट हो चुके हैं, तो 2 विकेट पर भी 75 रन है 8 ओवर में। कहां से जीते हो गया मैच, एक तरफा मैच चल रहा है, मतलब ये वाला सूरत हाल है। मतलब इस बार की IPL में नरेंद्र जिस तरह से पिटाई कर रहा है गेंदबाज की, और खासकर स्पेशली इस मैच में आप देखोगे तो ये देख लो स्टैट्स जो बॉलर्स की है, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट इकोनॉमी है रवि बिश्नोई की, वो 8 रन पर ओवर के हिसाब से उसने दिया, 4 ओवर में 33 रन और 1 विकेट उसे मिले हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी गेंदबाज भी आप देखो तो उसके बाद 11, 12, 11, 12, 13, 14 ये देखो ये पूरे बॉलर्स की, सिर्फ एक ही बॉलर है जो 8 की एवरेज से खाया है रन, उसके बाद जितने भी बॉलर्स है वो 11, 12, 13, 14, 14 इस तरह से रन खाए हुए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त ये नरेन एक गेंदबाज के इस तरह की पिटाई कर रहा है। गेंदबाज कौन कौन से है, उसमें स्टोइनिस है जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी उन्हें मिला हुआ था, मोहसिन खान है, नवीन उल हक है, उसके बाद यश ठाकुर है, कृणाल पांड्या है, रवि बिश्नोई जो थोड़े से सस्ते में निपट लिए 4 ओवर में 33 रन, और युधिर सिंह है जो 2 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट। तो ये सूरत हाल है जो अपना गेंदबाजों का है, इस तरह की पिटाई चल रही है। नरेन पिट रहा है, नरेन सेंचुरी मार रहा है, उसकी बैटिंग देख के तो लगता है कि मतलब क्या कहें, कोई सिक्वेंस ही नहीं है कि कोई ग्रेट प्लेयर होता है या कुछ भी, कुछ नहीं है। बंदा आके पहली गेंद से एक गेंद भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, और क्यों करेगा, उसने देख लिया स्टैंडर्ड क्या है, उसे अपने एबिलिटी पर ट्रस्ट है, लगा रहा आड़ा तेरा शॉट। आप उसको यॉर्कर दे दो, शॉर्ट पिच दे दो, लो फुल टच दे दो, कोई बॉल दे दो,
वो घुमा के ऐसा मार रहा है, मिडिल भी हो रहा है गेंद जा भी रहा है, मिस टाइम भी हो रहा है वो भी जा रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि लग रहा है तभी छक्का, आगे छक्का, नहीं लग रहा था पीछे छक्का, बट जा रहा है बाउंड्री से बाहर ही। 89 जो आज उसने 81 स्कोर किया 39 बॉल पे 207 के स्ट्राइक रेट से। तो इस तरह की बैटिंग चल रही है नरेन की। सो बेसिकली नरेन जो है वो बैटिंग नहीं कर रहा है, वो आईना दिखा रहा है आईपीएल, आईपीएल फ्रेंचाइजी को, आईपीएल टीम मैनेजमेंट को, आईपीएल जो इसके जो भी करता धरता है उनको ये आईना दिखा रहा है कि ये स्टैंडर्ड है, यही ये स्टैंडर्ड लेके आप वर्ल्ड कप में जाओ और फिर वहां पर देखो क्या होता है। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि इस साल का जो आईपीएल हम लोगों ने देखा है, जो रनों की बारिश नहीं बल्कि रनों का क्या बोलते हैं बर्फबारी हो रही है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे यूएसए में जो कि वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल में, वहां पे हालांकि वहां भी ग्राउंड छोटे हैं, चांसेस वहां भी है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो, बट ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इंडियन टीम क्या करती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये जो खिलाड़ी जो इस बार आईपीएल में जो रनों का अंबार लगा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक रेट 200 250 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं। ये जो गेंदबाज जो 10 12 15 रन पर ओवर के हिसाब से पिटा रहे हैं वो वहां पे क्या कर रहे हैं छोटे ग्राउंड होने के बावजूद भी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उससे पता चलेगा कि आईपीएल का स्टैंडर्ड कितना गिरा हुआ है या फिर बैलेंस है। सच पूछो तो इस बार का जो आईपीएल है वो देखने का एक मतलब क्या बोले, सो वीडियो गेम के जैसा देख रहे, तमाशा ही हो रहा है, क्रिकेट के नाम पे तमाशा ही हो रहा है। लगातार 200 रन बनना है, नहीं बनते हैं क्रिकेट में, मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी 200 लगातार नहीं बनते, कहीं भी नहीं बनते हैं। इवन आईपीएल में भी अभी तक आईपीएल हुआ था इतने नहीं बनते थे जितना 2024 में बन रहा है।